सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। समय रहते खुद को बदल लेना चाहिए। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। परिस्थितियाँ जितनी ज्यादा आपको तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा आपको मजबूत बना देती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, फैसला लेकर उसे सही साबित करना काबिलियत है। धैर्य रखिए, कभी कभी आपको जीवन में अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। आज का पंचांग 7 जून 2023 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रात्रि 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र रात्रि 9:02 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:18 से 1:59 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 7 जून 2023 दिन बुधवार। आज आपका विशेष ध्यान दोस्तों पर रहेगा। किसी पुराने दोस्त से या तो आप मिलेंगे या उनमें से कोई आपसे मिलने आज अचानक चला आएगा। आज अपने किसी एक या अधिक दोस्तों की परेशानी में मदद भी करने वाली हैं। दूसरी ओर एक दोस्त आपके ऊपर अपना गुस्सा भी निकाल सकता है, लेकिन बुरा ना माने। उस दोस्त की अपनी कुछ गलतियां चल रही है और इसीलिए वह ऐसे व्यवहार कर रहा है। दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। घर में संबंधियों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। पिछले कुछ अनुभवों से सीख कर वर्तमान को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और काफी हद तक सफल भी होंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए बेहतरीन रिश्ता आने की संभावना है। वक्त का ठीक से इस्तेमाल न करने की वजह से महत्वपूर्ण काम अधूरा रह सकता है। सरकारी दस्तावेज या सरकारी काम से जुड़ी किसी भी बात को नजरअंदाज न करें। यदि नियम कायदे से संबंधित कोई समस्या है तो उसे सुलझाने के लिए प्रभावशाली लोगों से मदद लेनी पड़ सकती है। मेहनत के अनुसार परिस्थिति को बदला जा सकता है, लेकिन गलतियां ना हो इस बात का ध्यान रखें। तय किया गया टारगेट पूरा करने के लिए खुद को ही प्रेरित करने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति पर निर्भरता ना बनने दें। परिवार के विरोध की वजह से रिलेशनशिप में तनाव हो सकता है। सावधानियां, कोर्ट के संबंधित मामलों में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है। किसी भी विवादित मामले को तुलना दें तथा शांतिपूर्ण तरीके से उसे निपटाने की कोशिश करें। अपने वस्तुओं की अच्छी तरह संभाल करें, चोरी होने या गुम होने का खतरा है। बात करते हैं सेहत की। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग तथा भावनात्मक संबंध मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। अगर आप एक रिश्ते में हैं तो बार बार बातों को ना दोहराएं। आपको याद रखना है कि किसी को निश्चिंत रूप से आपके लिए बनाया गया है। जब सही समय आएगा तो कुदरत खुद उस अनमोल उपहार को आपके सामने उपस्थित कर देगी। आप खुद अपने प्यार को आपको ढूंढने दो, तब तक अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ अच्छा समय बिताओ और हो सकता है वह उपहार उधर ही कहीं छुपा हो। अपनी आशा को ना छोड़ी। बात करते हैं करियर की। आज आप एक चिंतनशील अवस्था में रहेंगे। आज आपके उस काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने की संभावना है जिसमें गहरी सोच और चिंता शामिल हो। आज शिक्षक, प्रचारकों, वकील, विवादकर्ताओं और राजनेताओं के लिए अपने अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की संभावना है। हालांकि कम ध्यान की वजह से आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है और यह आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकता है। आत्म अनुशासन के माध्यम से इसमें आप सुधार कर सकती हैं। बिजनेस में परिस्थिति के अनुसार बदलाव करने की भी जरूरत है। ठेकेदारी संबंधित व्यवसाय में नुकसानदायक स्थिति बन रही है। उच्च अधिकारियों के साथ संबंध बिगड़ने ना दें। बात करते हैं सेहत की। बीमारी के लक्षण आज खूब दिखेंगे और आपको काफी परेशानी होने वाली है।
लेकिन आप यह सब खुद ही संभाल लेंगी। दिखाई दे रहे लक्ष्यों को समझने की कोशिश करें। इससे आपको बीमारी के जड़ तक पहुंचने और उसका पता लगाने में मदद मिलेगी। इन्फेक्शन को दूर करने की तस्वीरों पर काम करें और आपकी कई बीमारियां तो इससे वैसे ही दूर हो जाएगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी को 21 दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी का आशीर्वाद बना रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।